हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये हम जितना हम जानते हैं अपने कंट्री में और अपने बिहार में भी एक जीविका करके सेल्फ हेल्प ग्रुप चलती है, तो वैसे ही करके ये जब भी होता है ये इट इज़ जनरली डन बाय रूरल मिनिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना ये सब चीज़ के डेवलपमेंट के लिए। तो अभी हमारे रूरल मिनिस्ट्री ने SBI के साथ टाई अप किया है, ठीक है, दिस रूरल मिनिस्ट्री हैज़ टाइड अप विथ SBI तुम सब जानते हैं, ठीक है, उसके साथ ये टाई अप करके जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एक बकायदा एक सर्टन अमाउंट जो है वो लोन प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे मेक इन इंडिया का भी कॉन्सेप्ट रह जाता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है उसको भी प्रमोट करने के लिए हो जाता है, और ये लोन जो होता है अक्सर सब्सिडीज़ पे प्रोवाइड किया जाता है। सब्सिडीज़ जानते हैं जो कि हमारा इनडायरेक्ट होता है, मतलब रूरल मिनिस्ट्री ने SBI को कहा है कि मानो कि एग्जाम्पल के तौर पर कि 1 लाख रुपया जो है आपको इस डिपार्टमेंट को या इस ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा। अब ये 1 लाख रुपया है, नॉर्मल अगर देना चाहें तो 8% के ब्याज पे मिलेगा, लेकिन इसके थ्रू टाई अप के थ्रू क्या करेंगे ये लोग 10% या 8% के हिसाब से ये लोग करेंगे कि ठीक है हम सिर्फ 4% पे ही देंगे, जैसे कि PM स्वनिधि में मैंने बताया था कि वहाँ पर भी जो लोन का अमाउंट होता है उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, तो यहाँ पर भी सिर्फ कम रहेगा और वही जो पैसा जो मार्जिन बच जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि हम 8% के ही ब्याज दर से चलते हैं लेकिन यहाँ पर इनको दिया जाएगा 4%, तो 4% का जो गैप हो गया वो एक तरह का सब्सिडी जो होता है जो कि हमारे ये जो रूरल मिनिस्ट्री है वो बेयर करता है, ठीक है। तो यही टाई अप का काम होता है कि SBI ने रूरल मिनिस्ट्री के साथ टाई अप करके ठीक है आप जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसको लोन दीजिए, और लोन देने के बाद आप जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में करेंगे और जो भी सब्सिडी वाला जो भी पोर्शन होगा हम जो होगा वो बेयर कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हमारे एक यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, एक बुक जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है, एंड द बुक इज़ ऑल अबाउट द एक्टिविटीज़ डन बाय आर PM मोदी। बुक का नाम भी उन्होंने रखा है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, इनके बुक का नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। Energizing a Green Future, जिसके अंदर जितने भी मोदी सरकार द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ किए गए हैं, जो भी स्कीम लेकर के आए हैं और कैसे वो नेशन के डेवलपमेंट में काम करेंगे, वो सारा का सारा जो ब्योरा है वो इस सब के सब इसमें बुक है, और इस बुक के राइटर है, और इसका इनॉग्रेशन जो है वो ऑलरेडी कर दिया गया है, विच इज़ डन बाय आर यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये PM स्वनिधि जो है, जैसा कि नाम है हमारा स्ट्रीट वेंडर, इसके अंदर क्या है, दो चीजें हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, एक स्वनिधि और एक है हमारा पैसा डैशबोर्ड। यहाँ पे जो होता है कि जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो ठेले वाले होते हैं जो कि चलाते हैं हमारे कि व्हाई इज ही कॉलिंग जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको ठेला चलाना है सब्जी के लिए है या फिर आपका छोटा मोटा राशन के लिए है या फिर जो छोटे पानी पूरी का स्टॉल लगाते हुए हैं, उसमें सरकार ने कहा था कि हम जो 10,000 का जो पैसा है वो आपको सरकार जो है आपको बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा, जिसमें बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुश्किल से 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर होता है। तो ये जो आपका है इसके अंदर यहाँ पे आपको लोन दिया जाएगा, साथ ही साथ में एक है पैसा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड यानी क्या हो गया, जैसे कैसे आपका QR कोड जैसा होता है, बेसिकली आपको एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आप चेक कर सकेंगे कि आपका कितना पेमेंट आया, आपका लोन जो है वो पास हुआ कि नहीं हुआ है, क्या डिसबर्समेंट हुआ है, और आप EMI जो है वो तो चुका नहीं होगा, तो वो सारा का सारा रियल टाइम एनालिसिस जो होता है आपका लोन का और पैसे का वो सब के सब जो होगा आपका इस पैसा डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगा। और ये हमारा PM स्वनिधि जो है ये बेसिकली एक तरह का लोन है जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम इसको लोन देते हैं, ठीक है।
ओके, अभी हमारा एक आया है पासपोर्ट्स पे। पासपोर्ट्स पे यानी कि कौन से पासपोर्ट को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पासपोर्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तभी होते हैं जब उस पासपोर्ट के होल्डर्स को कहीं भी किसी भी कंट्री में वीज़ा फ़ी ट्रैवल करने का मौका मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी कंट्री में जाती हूँ तो मैं उसी कंट्री में जाऊँगी जहाँ पे इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा होगा और वहाँ मुझे फ्री में आप एंट्री मिल सकती है। जैसे ही हमें पासपोर्ट को लेकर के मैं आराम से भूटान में जा सकती हूँ, मैं आराम से नेपाल में जा सकती हूँ। ये सारे कंट्रीज़ जो हैं इसका इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। पर वैसे ही करके बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसका रिलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड जो है बहुत अच्छा है, तो उसके होल्डर्स जो होते हैं वो कहीं भी ट्रैवल करेंगे, किसी भी कंट्री में ट्रैवल करेंगे तो आराम से उनको वहाँ पे एंट्री मिल जाती है। इससे ये भी दिखाया जाता है कि वो कंट्री जो है वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अगर आप पाकिस्तान का लेके जाएंगे पासपोर्ट तो ज़्यादा इंक्वायरी होती है। अनफॉर्चुनेट ऐसा होता है कि जब भी उसको होल्डर्स होते हैं उनको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पासपोर्ट के स्टेटस पे इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वीकेस्ट स्टेट्स, ठीक है। तो वैसे ही करके छः ऐसे हमारे कंट्रीज़ हैं जिनका नंबर वन रैंकिंग आया है, जिसमें हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। तो टोटल 6 ऐसे नेशंस हैं जो कि हमारे फर्स्ट पोजीशन पे हैं, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूबल या द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, इसको कह सकते हैं। आई विल रिपीट द स्टेट्स कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। सो ये 6 ऐसे हमारे हैं जिनको दिया जा रहा है, ठीक है।